ऐसी लेयर्ड खस्ता करारी मठरी खाने का किसका मन नहीं करता, और आप इसे महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी करारी खस्ता लेयर्ड वाली मठरी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने यहाँ पर ये 250 ग्राम मैदा। इसमें डाल देंगे हम घी 2 से 3 चम्मच, क्योंकि घी से डालने से यह बहुत ही मोयन बनती है और बहुत ही खस्ता करारी कुरकुरी बनती है। आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। अब घी को हमें इसमें अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि ये लड्डू जैसे ना बनने लगे। तो 2 से 3 चम्मच के लगभग ही आप इसमें घी डालेंगे ना। मैंने टेबल स्पून से लिया है तो ये 2 टेबल स्पून है, और घर के चम्मच से 2 से 3 चम्मच के लगभग। तो आप देखिए इस तरह से हम मिक्स करेंगे, और हम जब हाथों में ऐसे इसकी मुट्ठी बनाएंगे तो ऐसे ये लड्डू जैसा बन जाएगा। तो ये परफेक्ट आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये एकदम सही सा हमारा मोयन लग चुका है। इसी तरह से आप तेल डालने के बाद भी देख सकते हैं, और आप चाहें तो वनस्पति घी या डालडा डालकर भी आप ऐसे बना सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, आप कलौंजी या फिर करायल भी डाल सकते हैं। अब स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे हम इसमें, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, नॉर्मल पानी, और इसका एक सख्त सा आटा लगाकर तैयार करना है। तो इसके लिए आप एकदम सख्त आटा लगाएं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका बढ़िया सा एक आटा लगा लेंगे। मठरी बनाने में आटा जितना बेहतरीन लगता है, आटा से ही सारी मठरियाँ खस्ता बनती है। अगर आप बहुत लचीला बना लेंगे तो फिर कभी कभी क्या होती, बहुत सी भुरभुरी सी बनती है और उतना बढ़िया सा टेक्सचर नहीं आता है। आटा हमारा बहुत अच्छे से लग चुका है, एकदम टाइट है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम थोड़े देर के लिए छोड़ देंगे, 10 मिनट के लिए, जिससे कि बढ़िया से रेस्ट हो जाए और अच्छे से तैयार हो जाए। अब यहाँ पर हम एक स्लरी तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने लिया है 1 टेबल स्पून मैदा, आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं इसकी जगह पर, और 2 चम्मच हम यहाँ पर लेंगे घी। इससे ही हमारी ये जो लेयर्ड खस्ता है ना वो तैयार होंगी, क्योंकि हम इसको बीच में इस्तेमाल करेंगे। आटा हमारा 10 मिनट में बहुत अच्छे से नीड हो गया है, ये देखिए बढ़िया सा सेट हो जाता है। तो हम इसको अब नीड कर लेंगे, अच्छे से मल लें इसको। मलने के बाद हम इसकी 2 से 3 लोइयां कट करेंगे, क्योंकि एक लेयर्ड में हमको 3 लोइयों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा लेयर्ड वाला पसंद करते हैं तो आप 3 से 4 भी या फिर 5 भी लगभग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ना करें। तो हम यहाँ पर 3 ही इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हमने मीडियम साइज़ के पेड़े कट कर लिए हैं। अब हम जैसे रोटी चपाती बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इनको बेलना है। तो ये इतना बढ़िया आटा इसका लगता है ना कि तेल आटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल सा आप इस तरह से बेल दें। अगर आप चाहें तो बहुत बड़े बड़े सरफेस में बेल कर आप बड़े बड़े भी बना सकते हैं, एक बार में वो सारा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी बनाएंगे तब भी परफेक्ट और अच्छे बनते हैं। तो इसी तरह से मैंने 3 लोइयों की रोटी बनाकर तैयार कर ली हैं। अब ये जो हमने स्लरी बनाकर तैयार की है, इसमें हमें अच्छे से पहले इसको लगाना है, और उसके बाद हम एक के ऊपर एक सारी रोटियां रखते जाएंगे और इसी तरह से इसकी ये घोल को हमें लगाते जाना है। तो इसे लगाना बहुत ही ज़रूरी है, बीच में पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपको। ये देखिए ये सेकंड लेयर भी हमने रख दी है, और इसी तरह से हम इसके ऊपर भी घी लगाएंगे, ये जो मिक्सचर हमने बनाया हुआ है ना उसे, और इसके ऊपर भी हम एक रोटी को और रख देंगे। तो इस तरह से आप 4 से 5 लेयर का बना सकते हैं, लेकिन 3 लेयर से ये काफ़ी अच्छी बनती है, परफेक्ट बनती है। फिर ज़्यादा लेयर तो ज़्यादा बड़ी चकली बनेगी, फिर आप अपने हिसाब से देख लें। तो 3 लेयर हमारी तैयार हो गई हैं, 3 लेयर में भी आपको इसी तरह से लगा देना है, और इसको फिर हम क्या करेंगे, रोल करेंगे। तो टाइटली रोल करना है जिससे कि लेयर हमारी खुले ना, पानी वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा आपको, और अच्छे से ये रोल जो है वो हमारा टाइटली तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल टाइटली करके हमको इसको रोल को तैयार करना है। तो इसी से हमारी जो लेयर है वो बनेंगी। आप इसको अच्छे से टाइटली करें, बिल्कुल भी ये लूज़ नहीं रहना चाहिए। अगर आपके हाथ में घी आ रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे बढ़िया सी खस्ता ही बनती है। रोल हमारा रेडी हो चुका है, हल्का सा आटा डस्ट किया है हमने। अब रोल्स को हमें कट कर लेना है। तो हम इसको क्या करेंगे, रोल को कट करेंगे, और इसको आप चाहें तो डायरेक्ट ही फ्राई कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बेलन से चला कर इसको हल्का सा बड़ा सा कर लूँगी, तो ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसी तरह से इसको भी सेक सकते हैं, तो जैसे खस्ता मठरी मिलती है ना मार्केट में वैसी वाली तैयार हो जाएंगी, या फिर आप इस तरह से इसको चपटा कर दें। इस तरह की मठरियाँ बहुत ही महंगी मिलती हैं मार्केट में, बनाने में आसान है, लेकिन हम कभी कभी क्या सोचते हैं, अरे ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है, इसको हम घर पर कैसे बना पाएंगे। तो
तो बहुत ही इजी तरह तरीके से आप इस तरह के घर पर चीज़ें बना लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए, कई फ्रेंड्स यहाँ पर बोलेंगे कि हम इसको मैदा से बना सकते हैं, आटे से बना सकते हैं, तो आप आधा मैदा आधा आटा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गेहूं के आटे से भी बन जाएंगे, लेकिन फिर उतना बढ़िया फाइन सा टेक्सचर नहीं आएगा, तो आधा मैदा आधा आटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, बढ़िया से हमारी ये तैयार हो जाएंगी लेयर्ड वाली मठरी। इसी तरह से हम सारी बेल लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है और एक दो बेलन ही चलाना है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इसको नहीं बेलना है। तेल हमने यहाँ पर मीडियम हॉट कर लिया है, अच्छे से पहले गर्म कर लें और फिर इसे आप मीडियम फ्लेम पर कर दें और इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है। जैसे कि हम नॉर्मल मठरी, समोसे या मैदे से बनी कोई भी खस्ता चीज़ बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इन्हें फ्राई करना है, तभी तो ये खस्ता बनेंगी। अब आप देख सकते हैं इनकी लेयर्ड खुलना शुरू हो गई हैं, तो आप इनको ज़्यादा टच ना करें, जब ये एक तरफ से हल्के गोल्डन हो जाएं तभी आप इनको टर्न करें और दोनों तरफ से इन्हें अच्छे से हमें सेक लेना है। कितना बढ़िया सा इनका खस्ता कलर आ रहा है, ये बढ़िया सा गोल्डन होना शुरू हो गई हैं, तो इसे हमें ऐसे ही चलाना है। गैस का फ्लेम सारे प्रोसेस में आपको मीडियम टू लो या फिर मीडियम टू हाई रखनी है, हाई या बिल्कुल लो नहीं करनी है। ये देखिए, बढ़िया सा कलर आ रहा है। इसी तरह से हम बाकी के बैचेस भी फ्राई करेंगे। जब तक भी आपकी ये वाली फ्राई हुई, तब तक आप दूसरा बैच भी तैयार कर लें। और ये देखिए, बढ़िया से हमारी मठरियाँ तैयार हो गई हैं। इसी तरह से हमने और भी बनाकर तैयार कर ली हैं। ये देखिए, तो बहुत ही खस्ता करारी लेयर्ड वाली हमारी मठरियाँ हो गई हैं तैयार। आप भी इस फेस्टिवल इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अब फेस्टिवल सीज़न बिल्कुल तैयार हो गया है। सारे त्यौहार अब लगभग लगभग एक के बाद एक आने ही शुरू हो गए हैं, तो आप डब्बा भर कर इसको बनाकर रख लीजिए, झटपट से बनकर तैयार हो जाती हैं। मार्केट से लाने से अच्छा कि आप इसे घर पर ही ट्राई कर लें, और बच्चों को, बड़ों को, सभी को, हम सभी को ये बहुत पसंद होती हैं। तो लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, खाने में एकदम खस्ता करारी, ये देखिए एकदम कुरमुरसी हो जाती हैं। तो आप भी अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप भी ऐसे ही बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। इसी तरह के और न्यू और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।